कहने के फातिमा मैडम ने बोला था कि कुछ भी कर लेना, तो हमने कुछ भी कर लिया। ये चीज नहीं, कुछ भी से मतलब वो काम जिसमें आपके मम्मी पापा, आपसे जुड़े दोस्त, आपसे जुड़े रिश्तेदार, उन लोगों का नाम रोशन हो, उस काम को बोलते हैं कुछ भी। इसके बाद मैं आपके सामने एक ऐसे बच्चे को आमंत्रित करती हूँ, बच्चा क्या स्टूडेंट को मैं स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ, जो गाजियाबाद कॉलेज से बीटेक का छात्र है। उसने वहाँ हमारे इंस्टीट्यूट का नाम सुना और वो यह स्पेशली हमसे पढ़ने के लिए आया है। मैं मिस्टर जितेंद्र सागर को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने बारे में कुछ बताएं और हमसे अपने विचार शेयर करें। आदरणीय चेयरमैन साहब, आदरणीय कपूर सर, आदरणीय डायरेक्टर सर, मैच सर और जो भी अतिथिगण हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो मुझे क्षमा करें सभी का। और यहाँ की जो फैकल्टी हैं सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। देखिए, इंसान के हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन यदि उसको सच्ची राह मिल जाए तो वो सच्ची राह पर जाता है, और यदि गलत राह मिलती है उसे तो वो गलत राह पर ही जाता है। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा बच्चा बने, लेकिन अच्छा बच्चा वो जब ही बनेगा। माँ बाप की जो फॉर्मेलिटी होती है, जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं, यही कि वो नहीं देख पाते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो जानते हैं कि हमारा बच्चा इंस्टीट्यूट जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसा है कैसा नहीं है और क्या पढ़ रहा है और क्या नहीं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसका सामने आ जाता है कि आगे वह क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। भले वो फिर कुछ भी कहे, लेकिन फिर उसमें माँ बाप दुखी रहते हैं। मैंने काफी बच्चे देखे। वैसे मैं अपना आई वुड लाइक टू गिव माई इंट्रोडक्शन। माई नेम इज जितेंद्र कुमार सागर एंड आई एम पर्सुइंग बीटेक फ्रॉम गाजियाबाद द मैकेनिकल ब्रांच एंड आई केम टू हियर ओनली फॉर ऑटोकैड। मैंने बहुत स्टूडेंट देखे जो कि बीटेक के बाद भी इस तरह हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते, और मैं काफ़ी इंस्टीट्यूट में गया, मैंने देखा कि सभी पहले दिन ही फीस ले ली जाती है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे यहाँ का सभी सिस्टम बताया गया कि हमारे यहाँ 3 दिन की डेमो क्लासेस चलती हैं, उसमें यदि आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी आप यहाँ से जा सकते हो। तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ 3 दिन की डेमो क्लासेस ली जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, और उसमें देखा कि यहाँ का जो माहौल था, टीचर्स, फैकल्टी, सभी इतना अच्छा लगा मुझे। और मिस्टर मैक सर ने मुझे पढ़ाया जो कि मुझे इतना अच्छा लगा वास्तव में। और स्टूडेंट को मैंने देखा और अपने अंदर देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस स्टूडेंट का। और यदि स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट पहुँच जाए तो उसको सब कुछ मिलता है। इसलिए यहाँ की जो फैकल्टी है उनमें मैंने काफ़ी सद्भावना देखी। यदि बच्चे के अंदर आत्मविश्वास हो तो वो सब कुछ कर सकता है। ये कहने में अच्छी बातें लगती है, लेकिन आपको डालना चाहिए, किसी को भी डालना चाहिए। ये नहीं कि आपने सुना घर जाके भाई ये, क्योंकि आजकल सब क्या है, डांस वांस सबको अच्छा लगा, फर्स्ट परफॉर्मेंस कि डांस किया वेरी गुड मजे आ गए, लेकिन बाद में ऐसी बातें कुछ किसी को अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन जो यदि इन बातों को दिल में डाल लें तो वास्तव में वो क्या से क्या बन जाए। और यही हर माँ बाप की दुआ होती है कि हमारा बच्चा आगे जो भी है तरक्की करे। और वैसे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हमेशा कहते हैं कि यदि आप एक कॉलोनी में रह रहे हैं, यदि बाहर आपने कुछ भी नहीं देखा है तो कुछ भी नहीं देख पाओगे, और आप केवल एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं और पता नहीं चलता है उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दूसरे का आप पता नहीं कर पाओ क्योंकि आप यदि दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हो। इसलिए आपको घुमक्कड़ी भी बनना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। मेरा यहाँ GNA में वैसे एडमिशन हो रहा था, लेकिन मैंने यहाँ एडमिशन नहीं लिया। मेरे एक भैया हैं आर्किटेक्चर IIT फ्रॉम रुड़की, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि यहाँ से नहीं बल्कि गाजियाबाद से करो, जिससे कि आपको थोड़ा पता चले मैनेजमेंट के बारे में, अदर इंस्टीट्यूट के बारे में। इसलिए मैंने वहाँ एडमिशन लिया, और यहाँ केवल मैं इसीलिए आया हूँ कि जब मैंने यहाँ देखा, यहाँ सुना, मेरा एक फ्रेंड जो यहाँ से कर चुका है यह कोर्स, उसने मुझे बताया काफ़ी, तो मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। तो स्टूडेंट जब भी अच्छा बन सकता है, यदि वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, तभी वो एक अच्छा बन सकता है। कहते हैं कि युवा जो होते हैं हमारे देश के भविष्य होते हैं, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है कि दीवारों पर हर जगह आप देखेंगे बाल श्रम कानूनन अपराध है, लेकिन बच्चे देखिए चाहे
देते हुए, सब कुछ देते हुए, इधर उधर के काम छोटे मोटे करते हुए, अखबार बांटते हुए क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे देश के भविष्य हो सकते हैं, क्योंकि जिनको पढ़ाई नहीं उपलब्ध हो रही है, पढ़ाई क्यों नहीं उपलब्ध हो रही है, क्योंकि उनको एक उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना पैसा खर्च कर सके पढ़ाई में। इस वजह से कुछ इस तरह का प्रावधान भी सरकार को बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, जिससे कि कुछ कम पैसे में ही उनके लिए पढ़ाई का मुआवजा दिया जाए। तो ये टेक्निकल कोर्सेज में यहाँ से प्रोवाइड कराए जाते हैं, मुझको यहाँ से बहुत अच्छा लगा। और युवा जो होते हैं, हमारे देश का कितना अच्छा नाम है आप जानते हैं कि जो बाहर के निग्रो लोग हैं वो भी यहाँ आते हैं, आर्यन में आप देख सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं, यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ की शिक्षा एजुकेशन रियली में हाई है। और यहाँ से बीटेक डॉक्टरी वगैरह करके बाहर चले जाते हैं, क्यों पैसे खाते हैं, पैसा वहाँ उन्हें ज़्यादा मिलता है तो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन यदि वो अपने देश में ही वो तरक्की करें, पैसे की चिंता ना छोड़ पैसे की चिंता ना करें, तो वास्तव में हमारा देश आज विकासशील नहीं विकसित हो सकता है। तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं एक आपको शेर सुनाता हूँ जो इस प्रकार है। शहर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी घर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। कहने का मतलब है जो हमारे टाइम मिला है वो टाइम बार बार नहीं आता है, इसलिए इस टाइम में कुछ अच्छा करना चाहिए, ये टाइम आपको बार बार नहीं मिलेगा। और यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सच मानिए युवा के बारे में जो बताया है उसको इसके बाद तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि युवा हमारे देश के भविष्य हैं। जब भविष्य है तो हम क्यों खराब कर रहे हैं? आपको पता है कैसे खराब कर रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों से काम कराए, दीवारों पे लिख दिया, न्यूज़पेपर में निकाल दिया, टीवी पे दिखा दिया कि बच्चों से श्रमिक मत बनाओ, बच्चों से काम मत करो।